नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और उसकी इस मंशा को किसान पूरी होने नहीं देंगे। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला लिया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों व आमजन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। इसके साथ ही 10 व 12 मई को एक बार फिर दिल्ली बॉर्डर के धरना स्थलों पर किसानों की भीड़ जुटेगी। पंजाब के 32 किसान संगठनों की बुधवार को कुंडली बॉर्डर घटना स्थल पर बैठक हुई। इसमें किसानों ने आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद किसान नेता बलदेव सिंह निहालगढ़, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल, जगजीत सिंह दल्लेवाल आदि ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ने में असफल रही है। सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं व मूलभूत सुविधा जैसे ऑक्सीजन, बेड, दवाएं आदि उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा की किसानों के धरनों को कोरोना फैलाने का बड़ा कारण बता रही है, लेकिन यहां किसान जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के साथ ही जन विरोधी फैसले लेने के लिए लॉकडाउन लगा रही है। इससे किसानों, मजदूरों, दुकानदारों, आम नागरिकों का जीवन बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। पंजाब की 32 किसान यूनियन ने कहा ये फैसला है कि 8 मई को पंजाब में किसान, मजदूर, दुकानदार काफी संख्या में सड़कों पर आकर लॉकडाउन का विरोध करेंगे। इसके अलावा देशव्यापी आंदोलन के लिए जल्दी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी और उसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। वह कुंडली बॉर्डर पर धरना स्थल पर मौजूद एक भी किसान ने अभी तक कोरोना जांच नहीं कराई है। प्रशासन के साथ किसान नेताओं की बैठक में अफसरों ने कोरोना जांच कराने की किसानों से अपील जरूरी की, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं दिख रहा।